और कल यहाँ बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ये सब पंख फैलाकर नाच रहे हैं। जय जिनेंद्र दोस्तों, ये हम हैं, ये हमारी ट्रेन है और हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं बताओ। हम जा रहे हैं सोनागेट जैन मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। चल पड़ी ऑन टाइम। कहाँ जा रहे हैं बताओ? तीर्थ क्षेत्र सोनागिर, चंदा प्रभु स्वामी की जय हो। हमने सोनागिर जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दतिया तक के लिए ताज एक्सप्रेस ट्रेन ली। ट्रेन बिल्कुल सही समय पर चली। हमारे साथ हमारे मम्मी पापा जी भी थे। अपने बड़ों के साथ तीर्थ यात्रा करने का मज़ा ही कुछ और होता है। रास्ते में बहुत ही मनोहर दृश्य देखने को मिले। सोनागिर जी ग्वालियर से 60 किलोमीटर और झांसी से 40 किलोमीटर दूर जिला दतिया मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख जैन तीर्थ क्षेत्र है। 6 घंटे की दूरी तय करके हम दतिया स्टेशन पहुंच गए। दतिया स्टेशन से हमने ऑटो लिया और महज 1/2 घंटे की दूरी तय करके हम सोनागिर जी पहुंच गए। जय जिनेंद्र दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सोनागिर जी में। हमने यहाँ शाम को आकर रूम्स ले लिए थे। विशाल धर्मशाला चंद्रनगर में स्थित है। अभी हम सुबह के 6 बज रहे हैं, अपनी यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ अपनी यात्रा को करते हैं स्टार्ट और दर्शन करने चलते हैं। चलिए ऐसा माना जाता है कि सोनागिर जी की इस मनोरम पहाड़ी का प्राचीन नाम श्रमणगिरी या स्वर्णगिरी था। 9वीं व 10वीं सदी में बने 77 मंदिरों का नज़ारा किसी का भी मन मोहने के लिए पर्याप्त है। सोनागिर जी में कुल 108 मंदिर जी हैं, जिनमें से 77 मंदिर पहाड़ी पर और बाकी पहाड़ी की तलहटी पर स्थित हैं। यह चंदा प्रभु द्वार है, यहाँ से पर्वत की वंदना शुरू होती है। यहाँ की शांति और खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। ये सारे मंदिर 132 एकड़ क्षेत्र में फैले आपस में जुड़ी दो पहाड़ियों पर बने हैं। जैन धर्म के अनुयायियों और स्थानीय कथाओं के माने तो किसी जमाने में राजा नंग और अनंग कुमार इसी जगह पर तपस्या करके जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हुए थे और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। देखिए यहाँ पर मोर, वो सामने 8-10 मोर हैं इधर। कितने सुंदर सुंदर मोर। और कल यहाँ बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ये सब पंख फैलाकर नाच रहे हैं।
चंदा प्रभु के दर से हर काम बन रहा है, सोनागिरी में नभ से सोना बरस रहा है। चंदा प्रभु के दर से हर काम बन रहा है, सोनागिरी में नभ से सोना बरस रहा है। पड़े आस ले खड़ी में, कर जोड़ के खड़ी में, सुन लो पुकार मेरी चरणों तेरे पड़ी में। बड़े आस ले खड़ी में, कर जोड़ के खड़ी में, सुन लो पुकार मेरी चरणों तेरे पड़ी में। आँखों से गिरते आँसू मेरा प्राण कह रहा है, सोना गिरी में नभ से सोना बरस रहा है। मुझे रोशनी दिखा दो, अंधकार तुम मिटा दो, पलकों को मेरी अपनी मुस्कान से जगा दो। मुझे रोशनी दिखा दो, अंधकार तुम मिटा दो, पलकों को मेरी अपनी मुस्कान से जगा दो। दीपक जलाओ तुझको मेरा मन ये कह रहा है, सोना गिरी में नभ से सोना बरस रहा है। चंदा प्रभु के दर से बड़ी दूर से हूँ आई, मेरा दिल ये कह रहा है, सोना गिरी में नभ से सोना बरस रहा है। चंदा प्रभु के दर से हर काम बन रहा है, सोना गिरी में नभ से सोना बरस रहा है। मेरी मुश्किलें हटा दी, मुसीबतें मिटा दी, मुझको शरण में लेकर हर पल खुशी दिला दी। मेरी मुश्किलें हटा दी, मुसीबतें मिटा दी, मुझको शरण में लेकर हर पल खुशी दिला दी। तेरे पास आने वाला हर शख्स कह रहा है, सोना गिरी में नभ से सोना बरस रहा है। चंदा प्रभु के दर से हर काम बन रहा है, सोना गिरी में नभ से सोना बरस रहा है। सोना बरस रहा है, सोना बरस रहा है।
क्योंकि यहाँ भगवान श्री चंदा प्रभु स्वामी जी का 17 बार समुशरण आया था, इसलिए क्रमांक 57वें मंदिर जी यहाँ का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर जी में भगवान चंदा प्रभु स्वामी जी की 11 फुट ऊंची प्रतिमा जी विराजमान है। यहाँ शिखर तक पहुँचने के लिए तीर्थयात्रियों को 3500 सीढ़ियाँ या 3.5 किलोमीटर चढ़ना होता है। अभी हम सोनागिर जी आए हुए हैं, चलिए यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं यहाँ के शास्त्री जी विपिन शास्त्री जी से। आइए बताइए सर कुछ। यह भूमि सिद्धों की भूमि है। यह सिद्ध श्री सोनागिर यहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। उन्होंने यहाँ पर तप किया, मुनि दीक्षा को धारण किया और यहाँ से तप करके ध्यान करके 5.5 करोड़ नंग अनंग आदि महामुनि राजों ने इस आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाया है, मोक्ष गए इस भूमि से। और इस पर्वत पर 77 जिन मंदिर हैं, जो कि सभी मंदिरों की यात्रीगण आते हैं और वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं। और यह मूल मंदिर है जो कि चंद्र प्रभु भगवान का। इन चंद्र प्रभु भगवान का इस पर्वत पर, इस सोनागिर में 17 बार समवसरण आया है, जीवों को उपदेश दिया है कि इस संसार से कैसे मुक्त होना है, इस संसार से कैसे मुक्ति को पाना है, वह मार्ग बताया है। और यह चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा करीब 1700-1800 वर्ष प्राचीन जिन प्रतिमा है, श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अभिषेक करते हैं, वंदना करके और पूजन इत्यादि करके स्वाध्याय करते हैं, जिससे उन्हें भी उस प्रभु का मार्ग मिले और अपनी आत्मा का कल्याण करके प्रभु के मार्ग पर चले जाएँ। ऐसे ये सिद्धों की वंदना करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जय जिनेन्द्र। जो लोग अकेले चलने से डरते हैं ना, ये उनके लिए है। अकेले चलने का बहुत फ़ायदा होता है, ना कोई आगे रहता है और ना कोई पीछे छूट जाता है। हमने सोनागिर जी में ही पर्वतराज पर बाजनी शिला अर्थात बजने वाली शिला के दर्शन भी किए, जहाँ पर प्राचीन काल में मुनिराज तपस्या करने के लिए बैठते थे और उनके मस्तक से जो एनर्जी निकलती थी उससे उस शिला में गड्ढा हो गया था। श्री नेमिनाथ भगवान की जय। पर्वत की वंदना के पश्चात हमने नीचे उतरकर
पोहे का और गन्ने के रस का आनंद लिया। वहीं हमें कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। सोना गिर जी की वीडियो की प्रथम श्रृंखला में बस इतना ही। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।